गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 13 में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले टॉपिक्स में क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, सर्कल, सेमी सर्कल प्रॉपर्टीज़, उन सब के बारे में पढ़ा सीखा। उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। तो आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है और किस कैसी उसकी आकृति होती है। जो स्फीयर होता है इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऑल टाइप्स ऑफ बॉल्स, कंचे वगैरह वगैरह जो इस शेप में होते हैं, संतरा, सेब, ये सभी के सभी आपके स्फीयर होते हैं। ये इस प्रकार से ये आपका स्फीयर होता है। इसमें क्राउड सरफेस एरिया नहीं होता, केवल सरफेस एरिया होता है। और एक और इसमें विशेष बात क्या होती है कि जो इसका डायामीटर होता है और इसकी हाइट ये सेम होती है, इनमें कोई भी भिन्न और भेद नहीं होता। इनको किसी भी टाइप से रोल करके आप रख लीजिए, ये आपको डायमीटर और हाइट सेम मींस, अगर हाइट की बात करें वो तो 2R के इक्वल होता है, या इसकी हाइट जो रेडियस होता है इसकी हाइट का आधा यानी कि डायमीटर का हाफ होता है। ये चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य होती है। इसकी एक्टिविटी आप अपने क्लास टीचर से मैथ लैब में सीख सकते हैं कि इसका जो कर्व्ड एरिया या टोटल एरिया जो सेम होता है, कर्व्ड और टोटल या लेटरल एक ही होता है, इसमें कर्व्ड नहीं होता। तो एक एक्टिविटी आप करेंगे इसका एरिया निकालने की, एक सर्कल के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कहीं भी एक थ्रेड को, धागे को पेस्ट करके इसके चारों ओर ऐसे लपेटते हैं, फिर उतने ही डायमीटर या रेडियस का एक सर्कल लेते हैं, फिर उसके ऊपर उसको घुमाते हैं पूरा, तो ये 4 सर्कल के बराबर इसका जो एरिया आएगा, सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, 4 एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल उसमें इसका और उस सर्कल का रेडियस या डायमीटर सेम होना चाहिए। तो सरफेस इसका टोटल एरिया या सरफेस एरिया जो है वो 4πr² होगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया होता है πr², क्योंकि ये 4 सर्कल के एरिया के बराबर इसका एरिया हो जाता है, तो 4πr². और ये जो एक्टिविटी है ये मैंने आपको बताया कि आप अपने क्लास में, अपने मैथ लैब में अपने टीचर से जा कर के प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं, थ्रेड्स वहाँ पर मिलेगा, गम वहाँ पर मिलेगा, उसके ऊपर धागा लपेट करके टीचर साहब को समझाएगा कि किस प्रकार से 4πr² के इक्वल होता है। और इसके बावजूद इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3πr³। अब हम, ये तो है आपके स्फीयर की बात, अब हम आते हैं हेमिस्फीयर। यहाँ पर हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब है आधा, हाफ हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर। जैसे आपका नींबू है या कढ़ाई होती है, इसको आप देखेंगे
तो वो क्या है, हेमिस्फीयर। नींबू को आधा काट दो तो हेमिस्फीयर का शेप ले लेता है। कढ़ाई होती है वो भी हेमिस्फीयर के शेप में होती है। कुछ कटोरे बाउल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है और इसको हम यहाँ से काट दें बीच में से, तो ये दो हेमिस्फीयर हो जाएंगे, एक ये इतना हो जाएगा और एक ऊपर हो जाएगा। ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स आधा, आधा आधा गोला, अर्ध गोला। अब इसमें ये ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ ट्रम सर्कल का यूज करें तो सर्कल के अंदर इसको सेमी कहते हैं, सेमी, सेमी का मतलब भी आधा होता है। ये ट्रम सर्कल में यूज होती है और स्फीयर में हेमी यूज होती है। हेमी और सेमी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका ये रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। अब इसकी हाइट और इसका रेडियस सेम होते हैं, इसको हाइट कह लो चाहे रेडियस कह लो, दोनों तरफ से। आज हेमिस्फीयर के अंदर मैं आपको बताऊं दो सरफेसेस होते हैं, टू। नंबर एक क्राउड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो केवल इतना हिस्सा, ये हिस्सा, ये ऊपर का, तो पूरे का 4πr था, तो इसका कितना हो जाएगा 2πr². इसके बाद आपका इसमें नंबर दो पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल में आपने देखा कि जो ये इतना हिस्सा है, ये पूरे का आधा यानी कि 2πr². अब इसमें एक सर्कल ये ऊपर वाला भी मिल जाएगा, ऊपर में जो काटते हैं को, तो ये आ जाएगा 3πr², 3πr². और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो 4/3 था, ये 2/3πr³ ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब हमने इसमें एक टर्म्स और मैं आपको समझा दूं और उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसके सॉल्यूशन से पहले आप रफ साइड में या दिमाग में, अगर आपको याद है उसको अच्छे से याद कर लें, फार्मूला लिख लें। जैसे मैं हेमिस्फीयर के बारे में आपको बताऊं, नंबर एक क्राउड सरफेस एरिया इसका होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम 2/3πr³। अब मैं स्फीयर की बात करता हूं, इसमें कर्व्ड नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है, तो इसके अंदर हम कर देंगे 4πr² और इसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 4/3πr³। तो आपने ये आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद कर लेने हैं। अब आप हर फार्मूले में ध्यान से देखिए क्या है, ये r मींस रेडियस। इसका अर्थ ये है कि यदि आपके पास रेडियस है या डायमीटर है, डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं, तो हम कोई भी फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए, रफ साइड में रख लीजिए, जो फार्मूले के अंदर आता है, हाइट आती है, रेडियस आता है, जो भी कुछ आता है उसका प्रबंध कीजिए, जो गिवन है उसमें से उसको निकालिए और फार्मूले में लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना क्या है
कि हमें इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन समझ नहीं आती। जब तक हमें लैंग्वेज समझ नहीं आएगी हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। समझने का मतलब यह है कि वन बाय वन करके आप एक एक सेंटेंस को पढ़िए, समझिए और जो कुछ उसमें दे रखा उसे लिख लीजिए। तो दो ही तीन बातें होती हैं इसमें। नंबर एक, करना क्या है, क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है। नंबर दो, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन टू यू। नंबर तीन, कैसे करना है, कैसे में टीचर आपको बताता है मेथड, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एल्गोरिदम, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द मेथड, ये आपको क्लास में समझाया जाता है। क्या करना है, क्या दिया है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट एंड व्हाट इज गिवन टू यू इन योर स्टेटमेंट, उसको आप पहले लिख लीजिए। देन पुट द ऑल थिंग्स इन आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द एल्गोरिदम टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। चलिए अब हम अगली टर्म लेते हैं, वो है फ्रस्टम ऑफ कॉर्न। फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, कॉर्न का एक हिस्सा होता है, अगर उसको हम काट दें, अलग कर दें तो फ्रस्टम बन जाएगा। कैसे, फ्रस्टम को हिंदी में छिन्नक कहते हैं, छिन्नक। जैसे कोई कौन आपको दिया हुआ है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये इसका रेडियस है, इसकी स्लांट हाइट है, ये इसका बेस है, और इसको कहीं से भी बेस के पैरेलल स्लाइस कर दिया जाए यहां से, तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा ये ऊपर रह गया जो कॉनिकल टाइप में है, और एक हिस्सा आपको नीचे की ओर मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये आपका फ्रस्टम ऑफ कॉर्न है। ये ऊपर जो बच गया, एक छोटा कॉर्न इसमें से निकल के अलग हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, छिन्नक, शंकु। शंकु कॉर्न को हिंदी में कहते हैं शंकु, छिन्नक, छिन करना, छिन का मतलब काटना, अलग कर देना। तो ये हिस्सा, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बाल्टी है, बकेट होती है, मुस्लिम लोग का फैज जिनको बोलते हैं, फैज टोपी होती है ऊपर, वो इसी टाइप की होती है। हमारे घरों में शीशे के ग्लासेस होते हैं, ग्लास जिसमें चाय वगैरह पीते हैं, अब तो नहीं यूज करते, पहले यूज करते थे, वो भी फ्रस्टम के टाइप का है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये फ्रस्टम होती हैं। फ्रस्टम के अंदर ये आपकी वर्टिकल हाइट है, इसके अंदर दो रेडियस होते हैं, एक बड़ा रेडियस होता है जिसको R1 लेते हैं, एक छोटा रेडियस होता है R1 इज ग्रेटर देन R2। तो उम्मीद है फर्स्टम के बारे में आपको उसकी इमेज आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके आइडेंटिटीज को लेते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया, ये क्योंकि कौन से रिलेटेड है, पाई आर पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, क्योंकि इसके अंदर दो रेडियस हैं तो पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। टोटल के अंदर अगर टोटल सरफेस एरिया ले लें तो ये क्या है, ये ऊपर का हिस्सा है, तो ये दो हिस्से और जुड़ जाएंगे, पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वेयर प्लस पाई आर टू स्क्वेयर, एक बेस दूसरा बेस।
ये जो हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है, ये क्राउड है ये वाला, और ये इनमें दो और जोड़ दें तो आपका बन जाएगा टोटल। इसके बाद हम इसमें देखेंगे वॉल्यूम क्या है, वन बाई थ्री पाई एच आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस आर वन आर टू, ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम निकालने के लिए। अब इसके अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था कि L कैसे निकालते हैं कोण में, तो एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर अगर इसकी स्लांट हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें एच स्क्वेयर प्लस, क्योंकि दो आर हैं, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वेयर और सारे का रूट। ये है तरीका इसको इसके सॉल्व करने के लिए, क्राउड सरफेस एरिया निकालना। तो ये आइडेंटिटी, टोटल में ये आइडेंटिटी, वॉल्यूम में ये, इस आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे। तो आज का ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको तीन बातें समझाई। सबसे पहले मैंने आपको स्फीयर समझाया, फिर हेमिस्फीयर समझाया, और उसके बाद फ्रस्टम ऑफ कौन समझाया, उनके आइडेंटिटीज समझाई, प्रॉपर्टीज समझाई, और चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की। तो आज का टॉपिक बस इतना ही रहेगा। आप इन सब को अच्छे से, इनके आइडेंटिटीज़ को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद कर लें। 13वें चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक था आपका। कल से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हल करने की कोशिश करेंगे। एक और विशेष मैं सूचना जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि COVID-19 के फैलाव की वजह से हम सब ने अपने आप को सुरक्षित रखना है, गैप मेंटेन करना है, 6 फीट की दूरी पे रहना है, मास्क का हमेशा यूज करना है, बेवजह बाजार में या इधर उधर नहीं घूमना, घरों में रहने की कोशिश करनी है। जब घर से बाहर निकलो तो सैनिटाइज करके निकलो, घर में आओ तो सैनिटाइज करो, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, साबुन जैसा भी मिले उसी से अपने हाथ धोते रहें, और घर में बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।